दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा, आज है मौका टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। इतनी रिस्पेक्ट मम्मी ने भी नहीं की कभी, थैंक यू। काफी अच्छा लगा। क्या बोलती है ऑडियंस, सब बढ़िया? थोड़ी एनर्जी दिखाओ यार, प्लीज गिव इट अप फॉर योरसेल्फ गाइस, प्लीज। आप लोगों ने वो कोड पढ़ा होगा, वर्क हार्ड अंटिल यू नो लॉन्गर नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय गाइस, माय नेम इज मनीष। कितनी हॉट हॉट लड़की आई है। एनी सिंगल इन द हाउस, गिव मी चेयर, मैं लाइन नहीं मारने वाला। कम ऑन गाइस, कोई भी सिंगल नहीं है। अब नहीं है तो क्या होके बना बता दे तुम्हें चीयर करने के लिए। बाय द वे आई एम आल्सो नॉट सिंगल, आई एम डेस्परेटली सिंगल। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, बट आई थिंक उर्दू बहुत ही सेक्सी लैंग्वेज है यार, ठीक है। अगर उर्दू में कोई गाली भी दे रहा है ना तो लगता है शायरी बोल रहा है। मैं भीड़ में था, एक बंदे को मेरा धक्का लग गया तो कहता है, अरे भाई जान थोड़ा लिहाज से लहजा से मसला क्या है। मैं कहा इरशाद वाह। मैंने उसे 3 धक्के और मारा, मैं कहा सर मुशायरा यहीं पे करते अपन। दोस्त लोगों को बुलाता हूँ मैं मेरे, लेकिन आजकल आप दोस्त लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। एक बार मैं चोरी कर रहा था तो मेरे दोस्त ने देख लिया और सबको बता दिया कि मैं चोर हूं। मैं कहा भाई तो दोस्त हो गया ऐसा कैसे कर सकता है, तो कहता है तू मेरे घर में चोरी कर रहा, मैं किसी को बताओ भी नहीं। आप लोगों को 3 इडियट्स याद है, परसों देखी मेरे पप्पा ने, एकदम पंप अप हो गए और मेरे पास आके मुझे बोल रहे बेटा वो देखो रैंचो साइंटिस्ट बन गया, फरहान फोटोग्राफर बन गया, राजू को अच्छा कॉर्पोरेट जॉब लग गया, सो यू ऑल्सो फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स। तो फिर मैं गांजा बेचने लग गया। मैंने सीखा है पप्पा से और कॉलेज से। कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, पिंकी नाम था उसका। एक दिन मुझे बोली, जो लोग जोक बोलकर उस पर खुद ही हंसते हैं ना वो फुद्दू होते हैं, और ये बोलकर हंसने लग गई। भाई यार मैंने पिंकी को EMI पे फोन गिफ्ट किया और उसने यार 2 महीने बाद मेरे से ब्रेकअप कर लिया यार। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। ऊपर से वो EMI वाले के फोन आया, कहता है कि सर ये एक EMI पेंडिंग है। मैं कहा भर दो फिर। कहता है सर आपका पेंडिंग है। मैं कहा यार मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को iPhone गिफ्ट दिया था, वो चलेगी फोन लेकर और ब्रेकअप कर। कहता है हाँ सर आपके रिंगटोन से पता चला मुझे, वो काफी सैड रिंगटोन है सर आपकी। मुझे मेरे तीनों एक्स याद एक साथ आ गई सर आपकी रिंगटोन सुन के। मैं कह रहा एक काम करो, उसके पास फोन है आप उसे फोन करो। तो अब EMI वाले के मुझे भी फोन आ रहे और उसे भी फोन आ रहे। अब आप सीन देखो, EMI वाले पैचअप कराने में लग गए। मुझे दोपहर को रैंडमली 2 बजे उनका फोन आया, कहते सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता सर। तो मैंने उसे सॉरी बोला, उसने मुझे सॉरी बोला, फाइनली हमारा पैचअप करा दिया EMI वालों ने। लेकिन अब जब कभी भी मेरा EMI जाता नहीं है तो पहले फोन करके वो पैसे नहीं मांगता है, पहले वो फोन करके बोलता है सर आप दोनों के बस सब ठीक चल रहा है ना। मैं कहा मैं भेज रहा हूँ यार तुझे तेरे पैसे। कहता ठीक है सर भेज दो, और सुनो वो प्रिया से बात मत करना, आपकी गर्लफ्रेंड को जेलसी होती है। मैं कहा तू रख यार। कॉलेज में मेरा ऐसे एक दोस्त था कुणाल, आपके जैसा, ये ट्राइसेप बाइसेप आपके जैसा सेम। उसको म्यूजिक का बहुत शौक था यार, वो सुर में बातें करता था, सुर में ऐसे नॉर्मली नहीं, तो समझ नहीं आता कब नॉर्मल बातें कर रहा है और कब गाने गा रहा है। हम मेरा बर्थडे था कॉलेज में, हम कॉलेज के पार्किंग में बैठे हुए, मुझे बोल रहा है भाई 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 ये सुन, देख तेरी बंदी किसी बंदे के साथ बाइक पर चिपक कर बैठ कर आ रही है। मैं कहा भाई ये कैसा गाना है। तो कहता है देख तेरी बंदी किसी बंदे के साथ बाइक पर चिपक के बैठ के आ रही है। तो मैंने देखा मेरी बंदी ऐसे चिपक के बैठ के आ रही है, मेरी बहुत जल गई यार। मैं कहा क्या सही बाइक है यार। KTM
काश मेरे पास होती। और ऊपर उसकी बंदी मेरे से चिपक के ऐसी बैठी है। तो मैंने पूछा यार पिंकी से, कहती ना मैं कौन है ये, कहती ओहो तुम्हें बताया तो था प्रकाश, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं कहा कल से मैं तुम्हें पिकअप और ड्रॉप करूंगा। तो कहती है पैदल, गाड़ी तो नहीं है तुम्हारे पास। मैं कहा साथ में पैदल चलने से प्यार बढ़ता है। कहते उसे प्यार नहीं गरीबी बोलते हैं। मैं कहा ये पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, मिलाओ अपने बेस्ट फ्रेंड से। कहती व्हाई नॉट प्रकाश, कम हियर। तो प्रकाश कॉलेज से पार्किंग से आ रहा था, तब तक ना प्रिया ने ना सॉरी पिंकी ने ना, ये कितनी बंदी है भूल जाता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो पिंकी ने बॉक्स निकाला बैग में से। मैं कहा ओहो मेरा बर्थडे, अरे इसको मेरा बर्थडे याद है और मुझे लिए गिफ्ट लाई है। तो बॉक्स में से हेडफोन निकाला। मैं कहा यार मैंने तुझे आईफोन गिफ्ट किया, तू मुझे कहे ये हेडफोन गिफ्ट कर रही है। तो कहती है पागल है क्या, नॉर्मल हेडफोन नहीं है, एसस कंपनी का गेमिंग हेडसेट है, बेस्ट है जो गेमर है उनके लिए। मैं कहा यार थैंक यू सो मच यार। कहते तू क्यों थैंक यू बोल रहा है, मैं प्रकाश के लिए लाई हूँ। उतने में प्रकाश आया और मुझे बोल रहा है हाय आई एम प्रकाश एंड यू। मैं कहा वर्क हार्ड अंटिल यू नो लॉन्गर नीड टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, दैट इज माय नेम। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा, आज है मौका टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका।